नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कवि लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, तो आज उन्हीं के म्यूजियम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग यहीं आए हुए हैं। सारा पीछे से देख सकते हैं, कभी हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है वो मूर्ति है, आदमकद मूर्ति को लगाया गया और ये इनका पुराना आवास रहा। तो सारा कुछ आप लोग दिखाते हैं अंदर जाकर, सारे उनके जो चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो यहाँ उनकी पत्नी जी का जो है मूर्ति रखा हुआ है, देख सकते हैं इनका काफ़ी योगदान रहा उनके जीवन में। साथ में इधर जय जवान का नारा लगा हुआ और एक जवान का तस्वीर भी देख सकते हैं। सामने एक एम्बेसडर कार का चित्र है, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, सारा कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। इस कार को उन्होंने लोन में लिया था और लोन चुकता होने से पहले ही शायद उनका देहांत हो गया था, जिसके उपरांत उनके पत्नी ने सारा कर्ज भी चुकाया। हालांकि इंश्योरेंस वाले वो कर्ज को माफ कर रहे थे, लेकिन उनका पत्नी का साफ तौर पर मना कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता है। और ये इनका मुख्य कक्ष है, चलिए इसके अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए इनका जो है ओरिजिनल घर था, और जैसे इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो ये दो बैठने का जो है हम लोग पुराने के ज़माने का हुआ करता था वो है, और ये इनका बेड है। और सामने देखिए दो लालटेन रखे हुए हैं, इन्हीं के सहारे साथ वो पढ़ते हैं ये सीढ़ी, और इससे होकर हम लोग जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं ऊपर जाने के बाद, ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ और एक रूम है जहाँ पर एक बैठने का इनका कुर्सी है, साथ में वो खटिया, शायद यहाँ आराम करते होंगे। और फिर इस तरह हम लोग निकलते हैं उनका छत्ता में, और ये छोटा सा उनका घर, अपना आवास, पूरा खपड़ेल घर था, अभी भी उसको इसी तरह संजो के रखा गया है। ये देखिए हमारे घर में भी हुआ करते हैं, अगर अभी मिट्टी का घर आपको होगा घर में तो जरूर आपको देखने मिलेगा। इसको आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग जो है इसको खोड़ी बोलते हैं अपने भाषा में। ये रेक, इधर देखिए एक धान का बाली रखा गया है सजाकर। वहां से नीचे आने के बाद देखिए आप लोग दिखाते हैं उनका रसोई घर, जहां पर उनकी जो है पत्नी है खाना बनाया करती थी। यहाँ लिखा हुआ है रूम नंबर 4, और ये उनका रसोई घर है। पूरा एकदम पूरा पुराने जमाने का जो उनका जैसा व्यवस्था था उसी तरह से इसको संजो कर रखा गया है। ये हम लोगों के घर में भी हुआ करता था, आप लोगों के घर में भी जरूर एक टाइम रहा होगा। वो जाता है उसको सिलवट बोलते हैं। फिर देखिए और इधर उनका तस्वीर, साथ में सारे बर्तन, कांसा का थाली है, चाय के का केतली है, और बोल सकते हैं सारे ग्लास रखे हुए हैं। इधर इनका चूल्हा जहाँ शायद इनका खाना बनता होगा। काफी बेहतरीन तरीके से जो है इनको संजो कर रखा गया है। यहाँ भी दो लालटेन रखा गया है। तो चलिए फिर और देखते हैं आगे। और ये इनका पर्सनल रूम था, गेस्ट हाउस बोल सकते हैं, और यहाँ इनका एक तस्वीर लगा हुआ, साथ में कुछ किताबें उनकी रखी हुई हैं, आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथ में वो देखिए कपड़ा उस टाइम रखने का काम करते थे वो बक्सा में, उसको आप लोग क्या बोलते थे बताइए कमेंट करके जरूर। अच्छा लग रहा था। ये इनका बेड है और हम लोग उसको बता दे रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग उसको डोलची बोलते थे, आप लोग क्या बोलते थे जरूर बताइएगा। और ये उनका जो है पुराना पंखा जिसका उपयोग शायद गर्मियों में किया करते थे, साथ में एक उनका बक्सा है जिसमें कपड़ा रखा करते थे, और ये बड़ा वाला बक्सा है, ऊपर एक छोटा सा बक्सा। तो ये है, यहाँ भी एक छोटा सा टेबल है साथ में बैठने का। हम लोग का भी घर में ये सब हुआ करता था, आप लोगों को याद होगा अगर। और साथ में ऐसा ही कुछ है, फिर और चलते हैं आगे दिखाते हैं। यहाँ से जैसे बाहर निकलते हैं तो सामने और एक रूम है, देखते हैं यहाँ क्या है। हालांकि यहाँ बगल में एक जिस तरह जय किसान का नारा के साथ एक जवान का फोटो था, उस तरह यहाँ जय किसान का नारा के साथ एक किसान का फोटो को भी दर्शाया गया है। और इधर वो रूम है और एक अलग से, जहाँ देख सकते हैं शायद इनका अपना बड़ा सा कुर्सी है, कच्छ जो भी हो यहाँ पे था। इसको उधर से दिखाते हैं, दिख रहा सारा कुछ। ये रूम में जैसे अंदर आते हैं तो ये देखिए बड़ा सा कुर्सी लगा हुआ उस टाइम का, साथ में दो लालटेन और है, और यहाँ पर उनके परिवार का सारा जो है फोटो रखा गया। ये उनके पिताजी हैं और माताजी हैं, और उनका सारा जो है
क्या बोलते हैं उसको, जीवनी बोल सकते हैं, सारा वो माँ पिताजी और कितने भाई बहन थे वो सारा हटे, ये उनका पुत्र लोग है शायद, कितने बेटे और बेटियाँ थी वो इस तस्वीर में दर्शाया गया है। और इधर भी दो लालटेन को रखा गया है साथ में। देखिए यहाँ और एक रूम है, आइए दिखाते हैं। यहाँ आते हैं तो उनके जीवन काल को सारा दर्शाया गया है इस रूम पर, कब किस तरह का घटना चक्र उनके साथ हुआ, उनके सारे जो है शास्त्री जी के विभिन्न मुद्राओं में लिखा हुआ देख सकते हैं, ये कब किनके साथ थे, किस तरह का समय काल उनका गुजरा राजनीति जीवन में, वो सारा कुछ है साथ में। यहाँ उनका सारा कुछ लिखा गया है कि कब वो पैदा लिए, कब कहाँ पढ़ाई किया, किस तरह से पूरा किया, और उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, साथ में उनका डेथ कब हुआ। ये नेपाल दौरा देख सकते हैं, किस तरह का क्राउड था, भीड़ था उस टाइम, और इस तरह का इनका सारा कुछ इस म्यूजियम में हम लोगों को देखने मिला। काफी बेहतरीन लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे अगर आप यहाँ आते हैं तो ऐसे जगहों को जरूर घूमना चाहिए। ये शास्त्री जी चिर निद्रा मुद्रा में चले गए हैं, मतलब उनका देहांत हो चुका था, तो उस टाइम का तस्वीर है वो, काफी मार्मिक तस्वीर है। उनके परिवार शोक उन्हें शोकाकुल मुद्रा में है, उसको भी दर्शाया गया है। तो यही सब था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोग काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले ऐसे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं, और मिलते हैं और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।